भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के कुबरी टंड में होली में दो लोग आपस में भिड़े, एक की मौत। धनबाद के जमदेगा पंचायत अंतर्गत कुबरी टंड गांव में होली का रंग फीका हो गया, जब यहां के ही निवासी नेपाल महतो और गोपाल महतो के पूरे परिवार ने अपने पड़ोस के रहने वाले हरिप्रसाद महतो की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना 10 तारीख के शाम 6:30 बजे की है, जब हरिप्रसाद अपने बच्चे को लेकर बाहर टहल रहे थे। मामूली बात पर कहा सुनी हुई और उसे घसीट कर नेपाल महतो एवं गोपाल महतो के पूरे परिवार ने कुल्हाड़ी से मारा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच धनबाद भेजा गया और लगातार से ही गांव में गश्त लगा रखी है, ताकि आगे किसी घटना से बचा जा सके। उसके परिवार में एक लड़की और एक लड़का है, जिसकी उम्र 3 साल और 2 साल बताई जा रही है। उसके पिताजी ने आरोप लगाया है कि उनका बच्चा निर्दोष है और उसे घसीटकर विरोधी पार्टियों ने मारा है। शराब के नशे में यह घटना हुई है, जबकि मृतक कभी शराब पीता नहीं था। विरोधी पार्टी नशे में आकर इस घटना को अंजाम दिया है। घटना स्थल पर शराब की बोतल भी देखी गई है। धनबाद से मनीष कुमार झा की रिपोर्ट। तो जो पूरा मामला था जिसमें डेथ हो गई, तो सरकार की क्या भूमिका रही? पुलिस आई है? पुलिस तो आया था, किसको तो उठा के ले गया है रात में। तो आप क्या चाहते हैं सरकार? अब हम सरकार से चाहते हैं इतना ही से, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, किस तरह रहेगा, पढ़ाई लिखा कैसे होगा? इन लोग का मेरा तो आदमी को जान ले लिया है, इसका जगवा जैसे मेरा बेटा को नाम में होना चाहिए, उसी वाला को हम बेचेंगे और खाएंगे और बच्चा को पढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। कैसे हुआ, कुछ जानकारी आपको मिली थी? हमारे बच्चा हिंदे से खाना खाए के बच्चा लेके हिंदे जा हलो, तो देख लो पूरा कुली में हल्ला हुल्ला भे रहा हो, तखनी बचवा के वो खाटी में बैठा दिलो और चल गलो झगड़ा छोड़वे। हाँ, झगड़ा छोड़वे गलो। अब ओकरा की करलो, ओकर घर के पूरा परिवार घिसाट के ओकरा ले गलो होले। के कौन? जानकी महतो, शंकर महतो। घर आने वाला है वो, अरे हुए पर घर कुबरी टाड़े, कुबरी टाड़े और ले के मार दलो। हमने पता ना चल रहे, हमने सब एकदम हमारे इधर हुए पूरा डेट हो गया, जी काट के निकाल के रह गया, तक हम सब इन बोटेड के आके हमारे घर आ। पुलिस अभी तक कोई इस मामले में संज्ञान लिया है? पुलिस कुछ कदम उठाई? हाँ, आये लो ककरा ककरा लेवल हो, वहाँ कोई आदमी के लेवल हो। क्या क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए इसमें? सेटा हम कह देवे, हमारा घटना घटी घटना घटी जे वहाँ कुल्ही में अथी छोटा छोटा बच्चा सब डीजे लगवा ले, वहाँ किसी के साथ झगड़ा भी गया और हुए जाके झगड़ा कर दिले, वो हुआ झगड़ा कर ले और हमार गिदर तक उठा के ले गए और टांगा पासा से मार दिले। कौन मारा था? नाटका लाइट बंद कर, शंकर महतो, जानकी महतो, शंकर महतो, कौन मिथुन, पूरा घर परिवार, आरो हमार बेटा के मार दे, आरो भतीजा के मार दे, कपार में बैंडेज है। कितने लोगों को मारा है? 6 को 5 को लगा मारा है, अभी वो सब थाना गया है, पकड़ा गया उलग कई आदमी पुलिस पकड़ाया है और कई गो बाकी है। झगड़ा का कारण क्या था पता है आपको? वो हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन कई मतलब लड़का को उठा के लेके लड़का के पास से मार। क्या नाम है आपका? लोकनाथ महतो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आरपी भारत में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि होली रंग का त्यौहार है और हम सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इसे मनाते हैं। हर घर में खुशी का माहौल होता है और सभी लोग चाहते हैं कि होली आए और हम बच्चों से लेकर बड़ों के साथ यह पर्व मनाएं। लेकिन जरा आप सोचें, उस घर पे क्या बीतता होगा जिसका कमाने वाला चिराग ही बुझ जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में एक घटना घटी है, गांव है कुबरी टांड, जहाँ बीते रात यानी होली की रात एक घटना घटी। एक नवयुवक को बुलाकर और कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला किया गया, जहाँ घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए यहाँ पुलिस मौजूद है और वो प्रयास कर रही है कि इस स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। लेकिन ये घटना घटा क्यों, जबकि प्रशासन दुरुस्त थी। प्रशासन हमेशा लोगों को यह संदेश देती रही है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाएं और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को परेशानी हो। यहां तक बताया गया था कि इस अवसर पर शराब का सेवन ना करें, क्योंकि शराब का सेवन करने से लोग अनियंत्रित हो जाते हैं, मानसिक रूप से पंगु बन जाते हैं। हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं, ये गांव के हैं, कि ये पूरी घटना क्या थी और उनके परिवार पर यह कहर बनकर कैसे बरपा। स्वागत है, नाम बताइए आप। नहीं, मुद्दीन अंसारी। ये घटना क्या था? उन लोग सर गांव में लड़ाई करते रहता है, कुबरी टांड में है जी, जी। लड़ाई करते रहता है, तो मतलब झगड़ा हुआ डीजे के लेके, डांस उनसे हो रहा था उधर, तो उन लोग क्या है कि बहुत रफ्तार था गाड़ी वो लोग कौन था क्या नाम वही जानकी झंटू क्या क्या है उन लोग, मतलब घर का पूरा परिवार है वैसा ही है सर, ठीक है, कोई सही नहीं है, ठीक है, पूरा रफ्तार गाड़ी चलाता है, गाली बकता है पी के। ये घटना आप बताइए कैसे शुरुआत हुआ आखिर? उधर झगड़ा हुआ थोड़ा सा, तो जो ये हुआ डेट हो गया, वो लड़ाई झगड़ा में नहीं रहता है, ठीक है, वो क्या क्या छुटा रहा था आदमी को, चलिए जो होगा बाद में देखा जाएगा। इसके पहले कुछ झगड़ा हुआ था लोगों के बीच? हाँ, पहले वो तो होते रहता है सर, उसका होते रहता है। ये है मुस्लिम, यानी अलग समुदाय के होते हुए भी इनका मानना है कि जो हत्यारा है, जिसने हत्या किया, वो हत्यारे प्रवृत्ति का है और सन की प्रवृत्ति का है, आए दिन वो किसी न किसी से उलझते रहता है। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं और इनके पास क्या जानकारी है ये जानने का प्रयास करते हैं, और किस लोगों ने निर्मम हत्या की इसके बारे में भी हम जानते हैं। ये क्या हुआ था, घटना क्या थी? ये घटना हुआ था, दूसरा जगह से झगड़ा हो रहा था, वो थोड़ा बाहर गया तो देख रहा है झगड़ा हो रहा है, तो बोला त्योहार में झगड़ा काहे होता है, तो छोड़ाने के लिए गया उसको, तो उसको पीछे तरफ से टांगी से मारा, ने तलवार से मारा, ने टेंगला से मारा, पीछे तरफ से मार दिया, उसका तुरंत जाली फट गया, तुरंत बेहोश हो गया, डेट हो गया। तो ये जो जा रहे थे यहाँ से, जाते समय कुछ बताए थे कि उससे कुछ झगड़ा हुआ है या कुछ विवाद? किसी को नहीं बताया था, अचानक ये घटना हुई, अचानक से। क्या नाम था आपके पति का? हरि प्रसाद महतो। तो ये क्या कल पी रखे थे होली के अवसर पर? दारू तो पीवो नहीं करता, नहीं भी ना खाए तो। उन लोग से झगड़ा हो रहा था तो छोड़ा दे रहा था गांव वाला से। तो आपने कब देखा ये कि ये घटना घट गई है? ये बचवा को गया था लेके उधर कुली तरह घुमाने के लिए, हम लोग यहाँ पुआ तुआ छाक रहे थे, तो हम बोले बचवा को ले जाना थोड़ा कुली तरह घुमाने के लिए, तो देख रहा वहाँ झगड़ा हो रहा, तो बचवा को किसको दे लिया, झगड़ा छोड़ा रहा था, तो इसी को दिया पीछे तरफ से टांगी से, न तलवार से, किसी तरह मारा हम लोग, पीछे तरफ से मार दिया मथुआ जाली फट गया। आपके जानकारी के अनुसार कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जो इनकी हत्या की? शंकर महतो, इनका नाम भी नहीं जानते हैं इतना जानते। ये कितने बजे की घटना है आपको जानकारी? 7 बजे से, 7 बजे जब मुसलमान को अजान दे रहा था तब। ये दो मासूम बच्चे हैं जो अभी आप देख पा रहे हैं, अब इसका भविष्य क्या होगा इसके बारे में सोचना होगा। आखिर ऐसे लोग समाज में कैसे रहते हैं जो किसी का हत्या कर सकते हैं, ये दुखद समाचार है और इनके माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। हमारे साथ अभी दिखाना चाहूंगा कैमरा मैन से, इतनी भीड़ जुटे हैं जब इन्होंने फ्लैश देखा है, और ये सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि वो लोग हत्यारे प्रवृत्ति के हैं और हमेशा आए दिन किसी न किसी से झगड़ा कर रहे होते हैं। आरपी भारत की टीम जब यहां पहुंची और जांच करने की प्रयास की कि आखिर मामला पूरा क्या था, तो सभी लोगों ने एक सुर में यह कहा कि वही हत्यारे थे, ये बेचारे तो पीते भी नहीं थे। अपने मासूम छोटे से बच्चे को मैं दिखाना चाहूंगा, इस छोटे से बच्चे को लेकर वो गए थे और दो गुट में जब आपस में झगड़ा हुआ, दो व्यक्ति में जब झगड़ा हुआ, तो ये उसे शांत करा रहे थे और उस गुस्से का शिकार ये बन गए। अब यह देखना है कि प्रशासन उसको किस प्रकार से कड़ी सजा देती है ताकि इस तरह का शिकार कोई और ना हो, किसी और घर का आंगन सूना ना हो। सहयोगी तालेश्वर के साथ मनीष कुमार झा, धनबाद, आरपी भारत।